हरे कृष्णा। ये बहुत ही सुंदर श्रृंखला चल रही है, जहाँ पे अभी 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 भगवान ने हिरण्याक्ष जैसे डीमन को, राक्षस का वध किया। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे ब्रह्मा जी प्रार्थना किए हैं, उनके प्रार्थना क्या है, जैसे इस श्लोक में उसी चीज के ऊपर चर्चा हो रही है कि ब्रह्मा जी की जो प्रार्थना है वो निष्पाप है, निष्कपट है तथा अमृत के समान मधुर वचन है, जिसको सुनकर भगवान हंस पड़े। तो आज यहाँ पे हम कैसे भक्त भगवान को प्रार्थना करते हैं और भगवान कैसे रेसिप्रिकेट करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हम जैसे आते हैं, पहले तो हम सब भक्त नहीं थे, अभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम कनेक्ट हुए हैं, तो हम धीरे धीरे सीख रहे हैं कैसे, हम सब साधक हैं, लर्निंग फेज में हैं कि कैसे कैसे करना है। नहीं तो पहले जब हम क्या कहते हैं, भक्ति से पहले हम कैसे करते थे, हम क्या बोलते थे, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, सब बोलते थे। हाँ, भगवान भगवान के पास मंदिर जाना है, मतलब कुछ मांगना है, कुछ ट्रांजेक्शनल डीलिंग होना चाहिए, ट्रांजेक्शन होना चाहिए, डेबिट कार्ड स्वाइप होना चाहिए, हम कुछ मांगे भगवान कुछ रिटर्न में दें। हमें जब तक ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तब तक भगवान है नहीं। हम काफी बार काफी लोग से मिलते हैं, जब गीता वितरण करने जाते हैं या प्रचार करने जाते हैं, तो बोलते हैं, हम भगवान के बारे में बताते हैं कि भगवान है, मंदिर से आए हैं, गीता वितरण कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं भगवान में विश्वास ही नहीं करते। हमने कहा क्यों क्यों विश्वास नहीं करते, ऐसा क्या हो गया आपके साथ, ऐसा कौन सा आपने शास्त्र पढ़ लिया या फिर क्या ऐसा रियलाइजेशन हो गया कि भगवान में आप विश्वास नहीं करते। बोले कुछ नहीं, हम 10वीं कक्षा में थे, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान हमें थोड़ा परसेंटेज ज्यादा दे दीजिएगा, भगवान हमारा परसेंटेज 95% तो दे ही देना भगवान, चलो 95 नहीं 92 दे देना, मतलब कम से कम बॉम्बे में है तो NMIMS कॉलेज, जय हिंद, हाँ ऐसा बड़ी बड़ी कॉलेज में एडमिशन हो जाए भगवान, हाँ ज्यादा दुविधा ना हो ना भगवान, हाँ थोड़ा समझ लेना आप, संभाल लेना, थोड़ा सा दूध चढ़ाऊंगा आपको आके, बेलपत्र चढ़ाऊंगा, हाँ हर हर शनिवार हर मंगलवार जो भी है इतने टाइम फास्ट करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो हम ये मांगते थे। अब लेकिन आपके मांगने से थोड़ा ना होता है, क्या आप मांग रहे हैं तो ठीक है, हाँ क्या ऑर्डर क्या है, हाँ क्या ऑर्डर है, सांबर डोसा इडली, हाँ ये ऑर्डर दे के भगवान वेटर तो है नहीं क्या कि हाँ आपका ऑर्डर है, लो 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 ऑर्डर सप्लाइड, फिर बिल आके चार्ज कर देंगे, भगवान है नहीं, भगवान इज नॉट एन ऑर्डर सप्लायर, प्रभुपाद जी कहते थे भगवान हमारे ऑर्डर के सप्लायर नहीं है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने अच्छा तो इसमें क्या हो गया, आपने भगवान से प्रार्थना की तो क्या हुआ, तो बोले मैंने प्रार्थना की लेकिन कुछ भगवान ने किया ही नहीं, भगवान ने मेरे को 92% नहीं दिया, मेरे को 65% आ गया, तो इससे भगवान का एग्जिस्टेंस या भगवान के नहीं मानने में अंतर क्या है। तो बोलता है इसका मतलब भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, अगर भगवान होते तो मेरी विश पूरी करते। ओहो अच्छा, तो अगर भगवान को कुछ और काम नहीं है, भगवान इतने सारे यूनिवर्सेस हैं, उसमें से बहुत सारे यूनिवर्सेस में से एक यूनिवर्स है, एक यूनिवर्स में से अलग अलग ब्रह्मांड हैं, उसमें से क्या कहते हैं ऐसे ऐसे मतलब पृथ्वी, बहुत सारे पृथ्वी होंगे, उसमें से एक पृथ्वी है, उसमें से एक पृथ्वी में से एक पृथ्वी, इतना बड़ा पृथ्वी है, उसमें से एक कोई देश है भारत, भारत में कोई एक स्टेट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का कोई एक जगह है मुंबई, मुंबई में कोई एक जगह है गोरेगांव, गोरेगांव के किसी एक सोसाइटी में आप रहते हो, किसी एक सोसाइटी के किसी एक फ्लैट के अंदर आप रहते हो, हाँ और आप बोल रहे हो कि आपके नहीं मानने से भगवान आपकी विश पूरी नहीं की है, इसके लिए भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम ऐसी लेके आ रहे हैं प्रथा, हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ लोग होते हैं बार बार भगवान से मांगते हैं, एक आरती हमने बचपन में सुना था हम, कि ये भी दे दीजिए वो भी दे दीजिए सब दे दीजिए, हाँ क्या लागे आपका सब मेरा, हाँ ये सब आरती हम सुनते हैं, हम भी गाए भी हैं, ऐसा नहीं हम नहीं गाए हैं, सुना है हमने गाया भी है। तो हम ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि भारत में चल रहा है, चलते रहते हैं भगवान जाओ मंदिर जाओ, ये फास्ट करो वो फास्ट करो, लेकिन हम जब हम गौड़ीय संप्रदाय में कनेक्ट हो चुके हैं, जब हम भगवान के भक्त, हाँ भगवान खुद भक्त के रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वो हमें सिखाते हैं कैसे भक्त बनना है, क्या करना है। तो महाप्रभु तो प्रार्थना क्या करते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम बा जगदीश कामये, अरे यहाँ पे हम पहली बार आ रहे हैं तो हमको क्या सिखा रहा है,
ना धनम ना जनम ना सुंदरीम ना कविताम वा जगदीश कामये। अरे इसका तो हम अपोजिट करते थे भौतिक जगत में, धनम देही जनम देही कविता देही, हाँ सब देही सब देही, आने तो भगवान आने दीजिए। लेकिन हम जब आए, मैं भी पहली बार आया तो अरे ये क्या, तो अपोजिट हो गया ना धनम ना जनम ना, क्या है ये। तो फिर पता चला कि हर एक चीज का अपना हायर पर्पस होता है, भगवान ऑर्डर सप्लायर नहीं। हम देखते हैं काफी भक्तों को भगवान के, आप कितने ही भक्त को देख लीजिए, कितनी प्रार्थनाएं देख लीजिए, आप प्रहलाद महाराज की प्रार्थना देख लीजिए, आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना देख लीजिए, आप श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी प्रार्थना करती है, कैसे प्रार्थना करती है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षयम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थित। भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भगवान आप अंतर बहिर्वस्थित हम माया जमनिका छन्यम अज्ञान मदोक्षम पय। फिर नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमो पंकज मालिने, भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना क्या, भगवान से नहीं मांग रहे हैं भगवान हमें ये दे दीजिए हमें वो दे दीजिए हमारे लिए ये फैसिलिटी अरेंज कर दो। हाँ उल्टा कुंती महारानी तो दुख मांग रही है कि भगवान हमें दुख दीजिए, दुख दोगे तब आपकी आपकी याद आएगी हमें, बट हमें हल्का सा दुख आ जाता है, हल्का सा भौतिक जीवन में परेशानी आ जाती है, तो हम बोलते हैं भगवान हमारे साथ ऐसे कि हम तो भक्त हैं भगवान, भगत आदमी को आप परेशान कर रहे हो। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैं एक बेस क्रिएट कर रहा हूँ व्हाई वी आर टॉकिंग ऑन दिस। कुंती महारानी तो ऐसे ही प्रार्थना कर रही है, हम नारद जी को देखते हैं प्रार्थना करते हैं, परीक्षित महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, व्यास देव प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ तो ऐसे हम देख रहे हैं कैसे डिवोटीज। इंद्र, इंद्र जब भगवान परेशान करते हैं, परेशान क्या, वो तो सारे भक्तों को लेके आते हैं लेकिन भगवान पूरा बारिश कर देते हैं, तब प्रार्थना क्या करते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला में वो भी उनका विमोहन हो जाता है, तब आते हैं भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो हम सब प्रार्थनाओं में देखते हैं कि भक्त आते हैं चार स्टेज में प्रार्थनाएं करते हैं। सबसे पहला भगवान को प्रे करते हैं, भगवान के गुण के बारे में बताते हैं, फिर भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि भगवान आप ऐसे हैं भगवान आप वैसे हैं, फिर थर्ड अपना कि हम कितने मलिन हैं भगवान, हमारा क्या पोजीशन है आपके साथ, हम तुच्छ हैं, आप यू आर एवरीथिंग एंड वी आर नथिंग, राइट, वी आर वेरी स्मॉल पार्टिकल व्हाट एवर वी आर। और फिर ब्लेसिंग मांगते हैं भगवान कि आप हमें क्षमा करें, हमें जो भूल चूक हुई है क्षमा करके हमें ये प्रदान करें कि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। देखते हैं ऐसे प्रार्थनाएं होती हैं। और जब भगवान के भक्त कुछ मांगते हैं, देखिए टू वेरिएंट्स हैं, जैसे हम भगवद गीता में देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे कोई बोल सकता है कि आप मुझे क्या बात कर रहे हो, भगवान प्रार्थना हमें मटेरियल चीजों के लिए नहीं करना चाहिए, हमें भक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए, मोर और लेस ये ये समझने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन कोई कह सकता है कि प्रभु जी भगवद गीता के 7वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक में भगवान ही बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम ज्ञानवान सो सुकृतन अर्जुन अर्थो जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी न ज्ञानी च भरता सह। क्या बोल रहे हैं कि जिसको वेल्थ चाहिए वो भी मुझसे आके मांगता है, और भगवान बोलते हैं अच्छा है मुझसे मांगता है कहीं और तो नहीं जाता मांगने के लिए। तो हम देखते हैं वहां पे भगवान चार लोग का बात कर रहे हैं, अर्थार्थो जिज्ञासी, हाँ अर्थो कि जो अर्थ मांगता है, अर्थ पहले डिस्ट्रेस, फिर जिज्ञासु इनक्विजिटिवनेस, अर्थार्थी जो भौतिक डिजायर मांगता है, और ज्ञानी, ये चार लोग भगवान के पास आते हैं मांगने के। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं 17.17 में, हाँ कि तेषां ज्ञान नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रिय ही ज्ञानी ना तो अर्थ। क्या बोल रहे हैं प्रियो ही, भगवान बोल रहे हैं ये चारों मुझसे, ये चार लोग जो मैंने बताया इसमें से मुझे प्रिय कौन है, जो ज्ञानी, जो ज्ञान जो मुझे जानने आता है और मेरे डिवोशनल सर्विस के बारे में जानने आता है वो मेरे लिए ज्यादा प्रिय है। देखिए एक एक ईच एंड एवरी स्टेप है समझना चाहें तो भगवान गीता में बोल रहे हैं। तो उसके बाद भगवान गीता में और भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कैसे डेमी गॉड्स, हाँ कि लोग डेमी गॉड्स के पास जाते हैं मांगने के लिए, लेकिन डेमी गॉड्स के पास जा रहे हो मांगने के लिए पाप उससे बढ़ता है, पाप ही बढ़ेगा क्योंकि हम भौतिक चीज मांग रहे हैं, और भौतिक चीज आप कुछ भी मांगे यू हैव टू कम बैक हियर, वापस उसको चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हमें वापस झेलने के लिए आना है। लेकिन जब हम भगवान से मांगते हैं तो भगवान इज लाइक, प्रभुपाद जी कहते हैं लॉर्ड इज लाइक आवर फादर, उनको पता है हमको कब क्या रिक्वायरमेंट है तब वो देते हैं, ऐसे ज्यादा दे देंगे तो हम माया में पड़ जाएंगे। इसलिए भगवान
से हमें क्या करना चाहिए, शुड सरेंडर, और क्या मांगना चाहिए। भगवान के पास जाके हम भौतिक चीज मांग रहे हैं, ये सही नहीं है। मतलब सही नहीं है, मतलब जैसे आप बहुत 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 इस विश्व का जो सबसे धनी व्यक्ति है, बहुत धनी व्यक्ति, अमेजोन का जेफ बेजोस ले लो, या फिर एलन मस्क ले लो, या फिर कोई भी ऐसे हमारे इंडिया से अभी एक नाम आ रहा है अदानी, या क्या, या इनके पास चले गए मिलने के लिए, और मिलके क्या बोल रहे हो कि अरे यार वो प्रभु जी थोड़ा सा वो मेरा थोड़ा ना 500 रुपया वो चाय वाले टपरी वाले को देना बाकी है, थोड़ा सा हेल्प कर दो, 500 रुपया उसको देना है। अरे आपको चाय का बिजनेस खोल के दे देगा, आप उसको 500 रुपया क्या मांग रहे हैं। तो यही है, भगवान के पास जाके हम क्या मांग रहे हैं। और भगवान ना एक्चुअली भक्ति देना, भगवान तो भक्ति देना चाहते हैं, भगवान टेस्ट करते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है भक्ति करने का, हम क्या चाहते हैं, क्योंकि भक्ति इतना आसानी से नहीं दे सकते। तो इसलिए कोई आता है भक्ति करता है और मांग लेता है छोटी छोटी चीज, तो भगवान बोलते हैं ठीक है इतना कर रहा है तपस्या, लेकिन ये देखो इसको छोटी चीज चाहिए। जैसे हिरण्यकशिपु इतना तपस्या किया, इतना तपस्या किया 60,000 साल तक, एक पैर पे सांस नहीं ले रहा, इतने टाइम तक खड़े रहे, हम 60 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते वैसे, 60,000 साल तक इतना तपस्या किया, और क्या मांगा कि मुझे कोई मार ना सके। अरे सीधा मांग लेता मुझे भगवत धाम जाना, लेकिन देखो अंत में हद उसका मृत्यु हो गया। तो हमें क्या मांगना है, किसके पास जाके। हाँ पहली बात तो ब्रह्मा जी से मांगता है कि मुझे अमर कर दो, ब्रह्मा जी बोलते भाई मैं खुद अमर नहीं हूं, तुमको अमर कैसे करूं, पॉसिबल ही नहीं, राइट। तो हम क्या मांग रहे हैं भगवान जी के पास जाके, व्हाट शुड वी आस्क, क्या मांग रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्या मांगना चाहिए, डिवोटीज बताते हैं, हम एक बार लेक्चर सुन रहे थे कि हमें जाके भगवान से सेवा मांगना चाहिए, क्योंकि सेवन मुखे ही जीवा दो, कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं और भगवान को समझना चाहते हैं तो भगवान को सेवा के माध्यम से ही समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे भगवान, सेवन मुखे ही जीवा दो। आप जाइए कभी, आप मंदिर आइए, श्री श्री राधा राज बिहारी के सामने आइए और राधा रानी से प्रार्थना करिए, रियलाइजेशन है। काफी भक्त बताते हैं कि वो मंगल आरती में प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज हमें एंगेज करिए भगवान सेवा में, हमारा खुद का पर्सनल रियलाइजेशन है कि सेवा में थोड़ा सा एंगेज करिए, ऑटोमेटिकली सेवा आ जाती है, उसी दिन या फिर एक दो दिन में कुछ सेवा अरेंज हो जाएगी, और वो सेवा ऐसी अरेंज होगी कि हम भक्ति में एकदम फास्ट प्रगति करेंगे। खाली हमें क्या करना है, डिजायर भगवान के सामने जाके युक्त करना है कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हम सेवा करना चाहते हैं, इस मिशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्लीज कुछ अरेंज करिए हमारे लिए। तो राधा रानी के पास आके, माते हाँ प्लीज, हाँ हम अपने गुरु वैष्णव आचार्यों का कुछ सेवा कर सके, जिसके माध्यम से, क्योंकि हम डायरेक्टली भगवान कृष्ण का सेवा नहीं कर सकते। हाँ हमें क्या बताया गया है, पद कमल गोपीर पद लो दास दास दासानु दास, हम कैसे दास बन सके उसकी प्रार्थना करना है। हाँ सेवा दीजिए, इसके माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं। और जब हम भगवान की सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे लग रहा होगा, जैसे यहाँ पे लगता है जैसे डेमी गॉड्स डर गए हैं, हाँ एंड एनीवेज डरे हुए ही हैं और समहाउ थोड़ा सा कंडीशनल है, लेकिन किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर वो भगवान ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, भगवान ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहे। हिरण्यनायक हिरण्यकशिपु ऐसे थे, उनको अगर गर्मी होती थी तो सूर्य को देखते थे, सूर्य ढल जाते थे। हाँ कभी उनको बारिश करने का मौसम हो रहा है तो बारिश हो जा रहा है, कभी उनको ज्यादा ठंड लग रही है तो फिर हीट आ जाएगा अपने आप सूर्य। तो पूरा भगवान ने जो सिस्टम क्रिएट किया था उसको पूरा हिला दिया था इन लोगों ने, हाँ ये पूरा हिला दिया था। तो भगवान के सिस्टम को, भगवान ने जो प्रोसेस बनाया है उसको सही से फॉलो करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज आप आइए, ये हिरण, ये जो राक्षस है इसका वध करिए, जो कि आपकी सेवा हम अच्छे से कर सके। तो जो भक्त, इसलिए यहाँ पे कंपेरिजन किया गया है कि भक्त और अभक्त जो राक्षस है, डिमन है, उनका प्रेयर्स में डिफ्रेंसिएशन है। जब भगवान के भक्त प्रार्थना करते हैं, वो भगवान की सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे बॉम्बे की बात है, हाँ जैसे मिस्टर एन, आप लोगों ने मिस्टर एन का नाम सुना होगा, मिस्टर एन बहुत परेशान कर रहा था जुहू मंदिर बनने के लिए। हाँ और जैसे ही न्यूज आया, जैसे डिवोटिस को पता चला कि मिस्टर एन को हार्ट अटैक आके मृत्यु हो गई है, राइट, तो फिर इमिजिएटली प्रभुपाद को कॉल लगाया गया कि प्रभुपाद प्रभुपाद मिस्टर एन इज डेड। डिवोटिस खुश हो गए, हाँ बोलो किसी के मृत्यु पे कोई खुश हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे राक्षस के मृत्यु पे डिवोटिस खुश रहे हैं, देवता हरे कृष्णा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे भक्त भी खुश हो गए।
वहां पे प्रसाद बांटा गया। हाँ एक भी प्रभु जी आए थे उस समय, जो प्रभुपाद जी के समय, तो बता रहे थे भागवतम क्लास में कि डिवोटीज फीस कर रहे हैं उस दिन कि मिस्टर एन इज डेड। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आई हैड प्रेड टू लॉर्ड नरसिंह बिकॉज ही वॉज डिस्टर्बिंग सो मच। देखिए यहाँ पे क्या डिवोटीज प्रे कर रहे हैं, प्रभुपाद क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा ठिकाने लगाइए, इसका दिमाग थोड़ा सा, क्योंकि बहुत परेशान कर रहा है। क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि भगवान का मंदिर, भगवान का हम सेवा करना चाहते हैं लेकिन वो करने नहीं दे रहे। तो भगवान की प्रार्थना, तो हमें क्या करना चाहिए कि भगवान को अगर समझना है, भगवान को अगर जानना है, तो हमें कैसी प्रार्थना करना चाहिए कि हम भगवान हमें सेवा कर। अभी हम लोग मंदिर में डेली सुबह जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं, वहां पे भी सातवां नंबर जो श्लोक है उसके अंदर है, नवेयच्च राज्यम न च कनकमणिका विभवम न या। हाँ इसका ट्रांसलेशन होता है सातवें नंबर का, आई डू नॉट प्रे फॉर अ किंगडम नॉर डू आई प्रे फॉर गोल्ड रूबीज और वेल्थ, आई डू नॉट आस्क फॉर ब्यूटिफुल वाइफ एज डिजायर बाय ऑल मेन, आई सिंपली प्रे दैट जगन्नाथ स्वामी हुज ग्लोरीज लॉर्ड शिवा ऑलवेज सिंग मे बी द कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ माई इमेजिनेशन। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी क्या बोल रहे हैं कि भगवान मुझे किंगडम नहीं चाहिए। हमें, हम कैसी प्रार्थना करते हैं कि भगवान 2 BHK फ्लैट दे दो, भगवान उसमें क्या करेंगे, 1 BHK में हम रहेंगे 1 रूम में, 1 रूम में जगन्नाथ जी आपके लिए बनाएंगे, आपके लिए, हाँ आपके लिए कमरा बनाएंगे भगवान, 2 BHK फ्लैट दीजिए। मेरे एक बार एक डिवोटी बता रहे थे, एक डिवोटी मंदिर आता था पहले, ऐसे ही भगवान से प्रार्थना, भगवान आप मुझे 3 BHK फ्लैट दे दीजिए भगवान, हम आपको वन एक रूम में आपको रखेंगे, 1 रूम में माता पिता को रखेंगे, 1 रूम में हम रखेंगे। तो विश पूरी हो गई, तो पहले वो कांस्टेंट आता था रेगुलर प्रोग्राम में, फिर 3 BHK फ्लैट ले लिया, भक्तों को बुलाया कीर्तन करने के लिए कि प्रभु जी आइए जगन्नाथ जी का सेवा करना है, प्रभु जी लोग भक्त लोग सब लोग गए करने के लिए, फिर वो कभी दिखाई नहीं भक्त। फिर सीधा कभी 1-2 साल बाद किसी जन्माष्टमी फेस्टिवल पे आया, तो टेम्पल प्रेसिडेंट ने पूछा कि प्रभु जी आप अभी तो पहले आते थे रेगुलर प्रोग्राम में, अब क्या हो गया, पिछले 1 साल से आ नहीं रहे, 1-2 साल से। बोले प्रभु जी वो भगवान के लिए घर लिया था, हाँ भगवान को तो, लेकिन उसके लिए बहुत लोन ले लिया, तो अब क्या हो गया कि पहले जॉब थोड़ा सा था, अब 3x लोन ले लिया है, तो 3x काम करना पड़ता है, इसलिए भगवान का हरे कृष्ण जप करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, हाँ मैं कीर्तन भी नहीं कर पाता, सेवा भी नहीं कर पाता, और मंदिर भी नहीं आ पाता प्रभु जी, बहुत दुविधा हो गई है प्रभु जी। तो देखिए क्या होता है, ऐसे एक डिवोटी बता रहे थे कि हम जब प्रार्थना कर रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के प्रार्थना करना चाहिए। एक व्यक्ति ऐसे ही प्रार्थना करता भगवान के पास जाके, भगवान के पास कि भगवान प्लीज मेरे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी हो, हाँ भगवान प्लीज मेरा विश विश फुलफिल कर दीजिए, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो और मेरे आसपास हमेशा स्त्रियां हों, हाँ बहुत सारी स्त्री मेरे आसपास हो, और मेरे पास बहुत धन हो, बहुत लक्ष्मी हो, कभी कम ना पड़े मेरे पास। भगवान बोले तथास्तु, तो उसको भगवान ने लेडीज बस का बस कंडक्टर बना दिया। क्या हो गया, बहुत बड़ी गाड़ी हो उसके पास बस आ गई, बहुत सारी माताएं हो स्त्रियां हो, लेडीज बस है, बहुत सारी माताएं आसपास, और बहुत सारे पैसे हो, तो बस कंडक्टर है, पूरा पैसा उसके पास ही रहता है। तो देखिए तो हमें कैसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए, वेरी कॉन्शियस वेरी प्रिसाइज। अब कोई कह सकता है कि प्रभु जी हम अपनी प्रार्थना बनाएंगे, हाँ हम प्रार्थना करेंगे भगवान के पास ऐसे जाके। प्रभुपाद जी इसके लिए कहते हैं कि हम जब भगवान के पास जा रहे हैं तो हमें डिवोटीज ने जो प्रार्थनाएं करी है उसको रिपीट करना चाहिए, उसको रिपीट करके उससे हमें सीखना चाहिए कैसे डिवोटीज प्रार्थना करते हैं। जैसे हम बहुत सारे वैष्णव भजन गा सकते हैं, हाँ जैसे वैष्णव भजन कितने प्रार्थना है, हाँ जैसे हम इनके लिए देखते हैं जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सचिर नंदन, हाँ त्रिभुवन करे जाल, ये भजन है। फिर तो बाद में चैतन्य महाप्रभु के लिए श्री चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयाल, हाँ ऐसे बहुत सारे भजन है, तो हम ये भजन गा सकते हैं प्रार्थना के रूप में, क्योंकि भजन क्या है, प्योर डिवोटीज ने गाए हुए कुछ है, और इसको जब हम जाते हैं रिपीट करते हैं भगवान के सामने, तो बोलते हैं अरे हाँ ये तो मेरे एक डिवोटी ने लिखा है भजन, ये वो गा रहा है, अरे वाह आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भगवान क्या देखते हैं, मार्क किसका है, ये किसका मार्क है इसके ऊपर। ऐसे हम जब टेम्पल में जाते हैं तो सबसे पहले हम द्वार पे प्रणाम करते हैं सारे भक्तों को, फिर बाद में जाके प्रभुपाद जी को सबसे पहले प्रणाम करते हैं, फिर हम डीटीस को प्रणाम करने जाते हैं, राइट, क्योंकि भगवान के पास, भगवान बोलेंगे कौन हो भाई आप, हाँ फिर प्रभुपाद जी बताएंगे अरे ये मेरा ही भक्त है, हमारा ही भक्त है,
मंदिर में सेवा करते हैं, ऐसा है ये। तो भगवान बोलते हैं अच्छा, हमारे भक्त का भक्त तो आ जाओ। तो फिर भगवान स्वीकार करते हैं। तो इसलिए भगवान के भक्त ने जो गुणगान किए हैं उसको गाए भगवान के सामने, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी के प्रेयर से ना, ब्रह्म संहिता वो गा सकते हैं भगवान के सामने। कुंती महारानी के प्रेयर से बहुत सारे अलग अलग प्रेयर्स हैं। हाँ, गजेंद्र प्रेयर्स, कितने अच्छे अच्छे प्रेयर्स हैं। आप उसको, सिर्फ प्रेयर्स को हमें याद करना है सर। आप लोग टास्क ले सकते हैं, हमारे डिवोटीज कुछ लोग कभी कभी प्रैक्टिस करते हैं ऐसे ही, कि एक हफ्ता हाँ कुंती महारानी का प्रेयर्स प्रेयर्स उसको रिसाइट करेंगे, पूरा याद कर लेंगे। फिर बाद में ब्रह्म संहिता पूरा याद कर लेंगे। ऐसे अलग अलग प्रेयर्स हम रिसाइट कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि कहीं कहीं, मतलब क्या होता है ना कि हम भगवान को वैसे नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, भगवान को वैसे हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भगवान से प्रार्थना करनी है तो रियलाइजेशन से प्रार्थना करनी है, सिर्फ आर्टिफिशियल नहीं। क्योंकि भगवान क्या है ना, स्मेल कर लेते हैं। जैसे हम फ्लावर को स्मेल करते हैं, उसी प्रकार हमारा डिजायर जो है भगवान स्मेल कर लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे भक्तों से सीखना चाहिए। और आप देख, मानोगे नहीं, आप प्रार्थना जब इनकी पढ़ोगे ना, कैसे आप इतने सारे वैष्णव भजन हैं, आप अगर आप इनको पढ़ोगे, इनके ट्रांसलेशन पढ़ोगे और गाओगे, तो आपको रियलाइज करेंगे, आप और भगवान के बारे में और जानेंगे और समझेंगे। और जाके जब आप भगवान के सामने रिसाइट करेंगे, हम भी ब्लिसफुल फील करते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान के सामने जाएं, भगवान से कैसी प्रार्थना करें, कि कैसे हम भक्ति में और प्रगति कर सकते हैं इसके। तो ये हमने प्रयास किया कि कैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान के पास जाके, कैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, और इस भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना से, जो कि निष्पाप में ही है, इसके अंदर कोई अपना पर्सनल कंडीशनिंग नहीं है कि पर्सनल के लिए कुछ मांग रहे हैं, भगवान के लिए, मतलब भगवान के भक्तों के लिए मांग रहे हैं, भगवान ने ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये जब प्रार्थना भगवान ने सुनी तो भगवान एकदम प्रसन्नचित हो गए। अब अगर यहाँ पे हम ट्रांसलेशन पढ़े थे अभी, तो भगवान कैसे हंसे, जी भर के हंसे। हाँ, श्री मैत्रेय ने कहा, स्पष्ट भगवान ने निष्पाप, ब्रह्मा ने निष्पाप निष्कपट तथा अमृत के समान मधुन वचनों को सुनकर, भगवान जी भरकर हंसे, और उन्होंने प्रेम पूर्ण चिंता चित्तवान से साथ उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। ऐसी प्रार्थना भगवान स्वीकार करते हैं, भगवान एक्सेप्ट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, कल ही हम यहाँ पे जगन्नाथ कथा चल रही है, भगवान एक्सेप्ट करते हैं, भगवान भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव को पकड़ते हैं। अगर भगवान के पास हम प्रेम से जा रहे हैं तो भगवान एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कल यहाँ पे प्रबोधानंद, परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज कथा बता रहे थे, कैसे महाराष्ट्र का एक भक्त था, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे एक भक्त था, गणपति भट्ट नाम था उसका, वो गणपति जी का भक्त था। तो वो पूरा शास्त्र पढ़ लिया, सब निचोड़ निकाल लिया, और उसको पता चला कि भगवान जो है कहाँ रहते हैं कलयुग में, हाँ, नीलाचल, नीलाचल पर्वत के पास समुद्र के तट पर, वहां पे द्वारका महल है, वहां पे लक्ष्मी जी भी हैं, और वहां पे जगन्नाथ जी, वहां पे भगवान रहते हैं। तो गणपति भट्ट ने पूरा एकदम शास्त्र पढ़ के, एकदम निचोड़ निकाल के वो कन्विंस हो गया। फिर बोले, अब भगवान वहां रहते हैं तो चलो हम भी जाते हैं, भगवान का दर्शन कर लेते हैं। तो हाँ, कर्नाटका महाराष्ट्र के बॉर्डर से चल के, उस समय तो फ्लाइट था नहीं कि चलो बुक कर लिया कल की फ्लाइट, आप सीधा भुवनेश्वर उतरेंगे, और भुवनेश्वर से ट्रेन पकड़ के आप पूरी स्टेशन से, फिर वहां से ऑटो पकड़ के आप जगन्नाथ मंदिर पहुंच जाओ, ऐसा सिस्टम तो था नहीं पहले। तो अब सिस्टम था कि चल चल के जाना है, तो चल चल के हजारों, 2,000 3,000 किलोमीटर चल चल के पहुंच गए जगन्नाथ जी के पास। तो अब जगन्नाथ जी के पास जब पहुंचे तो मंदिर में गए और जगन्नाथ जी को देखे, और देख के बोले इसमें से भगवान कौन है। तो लोगों ने बताया, अरे जगन्नाथ जी को नहीं जानते, ये जगन्नाथ है, ये भगवान है, जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, हाँ भगवान है ये। तो बोले, ये ऐसा कैसा भगवान है, इतना बड़ा बड़ा आंख है, इसका हाथ ऐसा है, पैर नहीं है, ये कैसा भगवान है, ये भगवान नहीं हो सकते। तो उन्होंने तुरंत ही अपना वापस वो सब पोथी पत्थरा निकाला, बोले हाँ इसमें तो ऐसा ही लिखा हुआ है कि ये इधर नीलाचल है, ये नीलाचल है, नीलाचल पर्वत, और ये समुद्र के तट पे, ये एक ही मंदिर है, तो यही भगवान होना चाहिए। लेकिन ये तो भगवान जैसा स्वरूप ही नहीं है, बहुत टेंशन में आ गए और भाग गए वहां से। तो पंडा लोग देखे, बोले पहले पूछ रहे भगवान कौन है और ये भाग रहा है। तो बोले, अरे अरे इधर आओ, किधर जा रहे हो। बोले, अरे हमने देखा भगवान। बोले, यही भगवान है। बोले, नहीं, बोले नहीं, इधर आओ, जगन्नाथ आए हो, जगन्नाथ प्रसाद खा के जाओ। बोले, नहीं, कुछ नहीं खाना है,
बोले अरे जगन्नाथ मंदिर आया, प्रसाद नहीं खाया, पंडालों पकड़ के प्रसाद खिला। बोले नहीं नहीं भागा एकदम जोर से, भाग के 15 किलोमीटर दूर चला गया और एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया, और वहां पे फिर से वो पढ़ रहा है एकदम कि भगवान यही रहते हैं ना, मैं गलत जगह तो नहीं आ गया ना। तो नहीं, मैं तो सही जगह आया हूँ। फिर भगवान देखते हैं हाँ कि ये दर्शन करना चाह रहा है बट कंफ्यूज है, तो भगवान एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं। भगवान पूछते हैं अरे क्या हुआ, हाँ इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो, हाँ इतना सब भक्त लोग यहाँ पे जगन्नाथपुरी प्रसाद खा रहे हैं एकदम सुखी हैं, आप इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो। बोले ब्राह्मण ये देखो मैं तो यहाँ महाराष्ट्र से आया हूँ, एकदम चल के 2,500 किलोमीटर चल के आया, और ये मेरे को पता चला कि ये भगवान इधर रहते हैं पूरा शास्त्र पढ़ के, तो लेकिन मैं इधर गया भगवान कैसे, भगवान इतना काला काला दिखता है, वो ऐसा बड़ी बड़ी आंखें हैं, हाथ आधा है, पैर नहीं है, भगवान है क्या, कैसे भगवान है। तो भगवान हंस पड़े, बोले अरे इसको पता नहीं है शायद, ये इसको स्टोरी सुना नहीं, वो द्वारका वाला स्टोरी इसने सुना नहीं है, ठीक है क्योंकि कोई नहीं इसको कभी और बता देंगे, फिर इंद्रदुम महाराज पूरा वाला बताना पड़ेगा। ठीक है अभी आपकी क्या इच्छा है, आपके हिसाब से। भगवान बोले ठीक है आपके हिसाब से भगवान कैसे दिखते हैं। तो बोले अरे हम तो महाराष्ट्र में गणपति जी का पूजा करते हैं, उनका तो सुंड है, मोटे हैं, है सुंड है उनका गणपति जी का। तो बोले अच्छा, बोले भगवान जैसा आप बोल रहे। ब्राह्मण बोले वो जो गणपति भट्ट को, कि आप जैसा बोले, आप जैसा वर्णन किए एज इट इज, मैं अभी दर्शन करके आ रहा हूँ, भगवान वैसे ही दिखते हैं जगन्नाथ जी। बोले क्या बात कर रहे हो। बोले हाँ मैं अभी दर्शन करके आ रहा हूँ, देखो इधर से तो आ रहा हूँ अभी, अभी दर्शन करके, और उनका सुंड है, उनका सब है, उनका सब ऐसा ही है। बोले मुझे तो नहीं दिखा। बोले अरे क्या हुआ होगा पता है आपके साथ, आप धूप में से गए होंगे डायरेक्टली अंदर, तो क्या होता है धूप में से आप अंदर जाते हैं तो थोड़ा डार्क दिखता है आपको, तो डार्क दिखा होगा इसलिए आप भगवान को सही से देख नहीं पाए होंगे, आपने कुछ और देख लिया हो। बोले हाँ ये हो सकता है, ये बात सही है। तो फिर वो थोड़ा सा और फेथ आया। इन द मीन टाइम भगवान ने सारे जो उनके पंडा थे, पुरी के राजा थे, उनको बताया था कि हमारा एक भक्त है आया है, वो मुझे ऐसे वेश में देखना चाहता है, हाथी वेश देखना चाहता है मुझे, तो आप अभी उस स्नान यात्रा के बाद, तो जैसे स्नान यात्रा होती है भगवान की, तो स्नान यात्रा अगर कोई कोई आप लोग जगन्नाथ पुरी गए होंगे तो देखा होगा कि वो जो बाजार है जहाँ प्रसाद मिलता है भगवान का, उसके ऊपर ही वहां पे बिठाते हैं भगवान को, जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा, वहां पे उनकी स्नान होता है, स्नान कराते हैं वहां पे। तो वहां पे उसी यात्रा के समय वो गया था, तो भगवान ने बोला कि मेरा एक भक्त आ रहा है, वो मुझे हाथी वेश में देखना चाहता है, तो स्नान यात्रा के बाद आप लोग मुझे ऐसे ही ड्रेस करिएगा, यहाँ पे मुझे सुंड होना चाहिए, बड़े बड़े कान होने चाहिए। तो राजा बोले ठीक है, पंडा बोले ठीक है, जो भगवान के पुजारी थे बोले कर देंगे, लेकिन हम आपके भक्त को पहचानेंगे कैसे। बोले कैसे पहचानोगे, पहचानोगे ऐसे कि वो एकदम आएगा ना तो एकदम खुश होके हरि बोल जय जगन्नाथ करके नाचेगा, तो हाँ तो आप उस समझ जाना वैसे ही एकदम एकदम नाचेगा जोर जोर से, उड़ी उड़ी मारेगा बहुत ऊपर ऊपर। भगवान तो पुजारी और राजा बोले ठीक है। तो फिर जैसे ही ये आया गणपति भट्ट, हाँ वो भगवान जगन्नाथ जी की तरफ आ रहे थे, तो पता चला कि भगवान आज बाहर आए हुए हैं, तो बोले ठीक है चलो अच्छा हो गया, तो वो धूप वाला सिस्टम फिर से हो जाता, पूरा ब्लैकिश दिख जाता, तो आज भगवान है, और भगवान इसलिए, और तुरंत भगवान को देखा तो भगवान हाथी वेश में है, भगवान के कान बड़े बड़े, भगवान का सुंड ऐसे आया हुआ है। हाँ तो इसी से हम लोग देखते हैं हर साल जैसे स्नान यात्रा होती है, तुरंत ही हर जितने भी आप मंदिर देखोगे, हाँ जगन्नाथ मंदिर में आज भी प्रैक्टिस होता है, भगवान को हाथी वेश पहनाया जाता है। राइट, देखिए एक भक्त की इच्छा हुई, हाँ डिजायर, क्योंकि प्रेम से भगवान के पास आ रहे थे, हाँ इच्छा हुई, तो फिर क्या हो गया भगवान वैसा उसके लिए रेसिप्रोकेट कर दिए, फिर वो भक्त उसी समय नाच के तुरंत ही शरीर छोड़ दिया उसने। तो देखिए हम भगवान अगर भक्ति चाहते हैं भगवान से तो भक्ति देंगे, नहीं तो अगर हम भौतिक चाहते हैं तो माया में ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत जो शिक्षाष्टकम दिया है बहुत अच्छी प्रार्थना है, मैं इसे याद कर लेना चाहिए, और भी भक्त कुंती महारानी की प्रार्थना है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, ऐसे हम प्रार्थनाएं याद कर लें। ये जगन्नाथ अष्टकम है, इसके अंदर भी 7वें नंबर श्लोक में आज कनेक्ट किया कि कैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें किंगडम नहीं चाहिए, गोल्ड नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए कि भगवान हमें हमेशा देखते रहे, हम भगवान के हमेशा उसके अंदर ही चले गाइडेंस में, तो हमारी ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। तो हमने सोचा कि कैसे हम प्रे कर सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करें। हरे कृष्णा, किसी भक्त का कुछ प्रश्न है।